शिमला रेल लाइन पर बुधवार को विस्टाडोम ट्रेन शुरू हो गई। विस्टाडोम एक साल तक चलती रहेगी। यात्री सुंदर वादियों का नजारा लेते हुए 6 घंटे में कालका से शिमला पहुंचे। पहले दिन देश विदेश के 90 यात्री पहुंचे। ट्रेन सिर्फ बड़ोग स्टेशन पर रुकी। वापसी पर शिमला से कालका के लिए 46 यात्री रवाना हुए। विस्टाडोम में एक सप्ताह तक वेटिंग चल रही है। विस्टाडोम की बात की जाए तो इसके कोच की छत कांच की बनी है। इसकी खिड़कियां भी पूरी तरह से पारदर्शी है, लिहाजा ट्रेन में बैठकर बाहर कुदरत की अनुपम छटा और आसमान के नज़ारे दिल खुश करने वाले होते हैं। इसके कोच कालका की रेलवे वर्कशॉप में तैयार किए गए हैं। 1903 में कालका शिमला रेल लाइन शुरू हुई थी और 18 स्टेशन रेल लाइन के पूरे सफर में पड़ते हैं। 103 सुरंगें इस ट्रैक में हैं। इतनी सुरंगें कही जाती है लेकिन असलियत में 102 सुरंगें हैं। 46 नंबर की सुरंग यहाँ पर नहीं है। वहीं कालका से शिमला सुबह 7 बजे चलकर ये 12:15 पर पहुंचेगी और शिमला से कालका 3:15 चलकर 9:15 पर पहुंचेगी और शिमला से 52,460 और कालका से 52,460 नंबर से चलेगी। इसमें वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा होगी जो कि पहले नहीं थी। मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी इसमें दी गई है। ट्रेन 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। इसके 7 डब्बे विस्टाडोम और एक लग्जरी है। इसमें 15 सीट एक डब्बे में दी गई है और पहाड़ों को इस ट्रेन में बैठकर बहुत ही नज़दीक से महसूस किया जा सकता है। इस ट्रेन का किराया ₹630 है। कालका से लेकर शिमला तक यात्रियों को ₹630 किराया चुकाना होगा। वही ट्रेन की एक खूबी है कि किसी भी यात्री को अगेंस्ट द मोशन यानी विपरीत दिशा में मुंह करके नहीं बैठना होगा। सीटों को घुमाने की सुविधा है। इंजन की ओर सीट को घुमाकर बैठा जा सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।